अस्सलामुअलैकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी YouTube की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे इस बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ। करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। आज किचन क्लोजअप में जो रेसिपी शेयर की गई है वो है ईद उल अज़हा स्पेशल। हमने बनाए बहुत ही मज़ेदार से मटन चीज़ कबाब, इतने डिलिशियस से बने कि आपके मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त है, देखिए अंदर तक इतने ज़बरदस्त से कुक हुए हुएंगे। देखें ये जानने के लिए रेसिपी किस तरह से तैयार की गई है, चलिए हमारे साथ किचन क्लोजअप में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं मजेदार से मटन चीज कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है बकरा ईद आने वाली है, बड़ी ईद आने वाली है, तो उसके लिए हमने मजेदार सी और झटपट से बनने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने लिया है मटन का कीमा और उसको बिल्कुल बारीक बारीक ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया। ये देख लीजिए इस तरह का हो गया इसका टेक्सचर। ये मैंने लिया है कोई हाफ के जी। अभी हम एक बाउल में डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन डाल देंगे। मीडियम साइज की प्याज ली थी, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, पूरा पानी उसका जो प्याज का होता है निकाल लिया था। देख लिया प्याज कितनी ड्राई हमारी इस तरह होनी चाहिए प्याज, एक वो डाल देंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, उन्हें चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। 1 टेबल स्पून भर के पेपरिका पाउडर का डाल देंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, सॉल्ट जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे और 1 टीस्पून शाही गरम मसाला। इन सब चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्सअप कर लेते हैं। ये देखिए मटन चीज कबाब का बैटर हमारा जबरदस्त सा रेडी हो गया। सारी चीजों को हमने जबरदस्त तरीके से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसको बना के रख सकते हैं और दावत के टाइम पर इसे गर्मा गर्म फ्राई कर सकते हैं, बहुत मजे के लगते हैं। चलें अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरह करके बैग ले लिया प्लास्टिक का, ये देख लीजिए। आप चाहें तो बटर पेपर है आपके पास, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसको हमने हल्के से ऑयल से ग्रीस कर देना पूरे को। ये देखिए इस तरह करके सालन निकालने वाला चमचा लिया है। इस सालन निकालने वाले चमचे के हिसाब से हमने इसको इस तरह उठाना है, पूरा एक चमचा भरा हुआ, फुल चमचा इस तरह भरा हुआ। और हाथों को अच्छे से हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसको हथेली में रखेंगे। ये देखिए, और फिर इसके सेंटर में इस तरह करके इसके अंदर हम डाल देंगे खूब सारी चीज। ये देखिए ठीक है, और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। ये इसको इस तरह पहले हाथों की मदद से बॉल सी बना लेनी है आपने, करके हल्का हल्का ऑयल लगा के अपने हाथों में। ये देखिए, और ये पूरी चीज इसके अंदर चली गई है। अब हमने क्या करना होगा, जो प्लास्टिक शीट हमने बिछाई थी इसके यहाँ पे हम इसको रख देंगे इस तरह करके, के ऊपर ये दूसरा इसका जो पार्ट है प्लास्टिक शीट का ये डालेंगे। और अब हमने क्या करना होगा, एक स्टील की प्लेट ले ली है मैंने, उसकी मदद से देखिए इसको इस तरह करके प्रेस कर दीजिए। चलें ये देखिए, इसको हमने हल्का हल्का से इस तरह करके प्लेट को प्रेस करना है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा बीफ का चीज़ कबाब रेडी हो गया, हाफ डन हो गया, ये देख लीजिए। अगर हम हाथों की मदद से करते तो ये इतना बड़ा शेप नहीं बनता इसका। अब इसी तरह करके मैं सारे रेडी कर लेती हूँ। हमने चूल्हे पे रख लिया है ग्रिल पैन। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं है भाई, बहाने नहीं चलाने, आप सादे पैन में भी इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल इस पे डालेंगे, ऑयल हमारा हल्का गर्म हो गया। अब हम ये कबाब इसके अंदर रख देंगे। चले अभी जब नीचे से कुक हो जाएगा हमारा कबाब, फिर हमने इसको एहतियात से टर्न कर देना। ये देखिए जबरदस्त सा, अभी ये थोड़ा नीचे वाला थोड़ा और कुक हो गया दूसरा वाला।
से मटन चीज कबाब खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। कितना खूबसूरत सा उसका कलर है, जरूर देख के आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। चले अब आप इसे हम इसे जल्दी से सर्व करके आपने ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है। ये देखिए मजेदार से हमारे बकरा ईद स्पेशल ईद स्पेशल मजेदार से शानदार से चीजी मटन कबाब रेडी हो चुके हैं। इसको सर्व किया हमने प्याज लीमू और टमाटर के साथ, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था पुदीना। वीडियो रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, फ्री में वीडियो को एंजॉय कर सके। चले आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Thank you.